ये तस्वीरें बताती हैं कि कन्हैया लाल के हथियारों को लेकर आवाम में कितना गुस्सा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि कन्हैया लाल की हत्या के बाद हथियारों की खुद जिंदगी पर बनाई है। तभी तो कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर इन दरिंदों की पिटाई हो गई। आरोपियों की पिटाई के वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जब उन्हें पुलिस की गाड़ी में चढ़ाया जा रहा था, तभी उनके पीछे लोग पुलिस की सुरक्षा के बीच उन्हें पीटते हैं। एक आरोपी की गर्दन पकड़ते हुए उसे पीछे से थप्पड़ भी मारते हैं। हालांकि पुलिस एक एक करके उन चारों आरोपियों को गाड़ी में जैसे तैसे चढ़ाती है। पुलिस ने किसी तरह इन्हें खींचकर गाड़ी में बिठाया और रवाना किया। जी, ये तस्वीरें हैं उन्हीं आरोपियों की जो कन्हैया लाल के साथ साथ देश की अमन और शांति के भी दुश्मन हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब राजस्थान के उदयपुर में हुई टेलर कन्हैया लाल की हत्या से जुड़े चार आरोपियों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच NIA कोर्ट के सामने पेश किया गया था। कोर्ट में पेशी के दौरान गुस्साए लोगों ने आरोपियों पर हमला बोल दिया। कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को 12 जुलाई तक NIA कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले उदयपुर की एक कोर्ट ने दोनों आरोपियों को शुक्रवार को एक दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा था। वैसे तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया था इन्हें, लेकिन उसके बावजूद आरोपियों को लेकर लोगों के गुस्से का गुबार सामने आ गया। पहले तो करीब 5 घंटे तक लगातार नारेबाजी होती रही। वकील फांसी की मांग करते हुए कोर्ट में जा घुसे तो सुनवाई रूम का दरवाजा तक बंद करना पड़ा, लेकिन जब वो बाहर निकले तो जूते, चप्पल और डंडों से इन आरोपियों की पिटाई कर दी। जब पुलिस उन्हें गाड़ी में चढ़ा रही थी, उसी दौरान लोगों ने थप्पड़ों की बरसात कर दी। साफ है, इस वारदात को लेकर आवाम के मन में गुस्सा है, आक्रोश है। ऐसे में सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, ताकि जल्द से जल्द हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देकर कानून देश के सामने एक नजीर पेश करे और इस गुस्से के गुबार को कम कर सके। क्योंकि इन पर सिर्फ कन्हैया लाल के कत्ल के आरोप नहीं है, बल्कि देश के अमन के गुनहगार भी हैं ये। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।